हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बाजार एक्सप्लोरर फूडी। और हम पहुंच चुके हैं आज ऐतिहासिक मेला नौचंदी के अंदर, जो कि काफ़ी 350 साल पुराना मेला है। लेकिन अभी इस मेले पे ऐसा लगता है कि काफ़ी ग्रैंड सा लग चुका है, क्योंकि एक महीना वैसे ही लेट हो चुका है और कल से यहाँ पूरी रात बारिश हुई है और आज भी मौसम यहाँ बहुत सुहाना है। और क्योंकि ये मौसम जो है बहुत रंग बदल रहा है, तो इस रंग बदलते मौसम में हम आपको लेके आए हैं मेला नौचंदी के अंदर। यहाँ काफ़ी रंग बिरंगी लाइट लग चुकी हैं, आज ओपन हो चुकी हैं। जैसा कि मैंने बोला था आपको कि 20 तारीख को यहाँ लाइट ओपन हो जाएगी, तो आज हम आपको लेके आए हैं मेला नौचंदी में और एक्सप्लोर कराएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए बाजार एक्सप्लोर। तो गाइस, अभी हम खड़े हुए हैं मौत के कुएं के ऊपर और यहाँ बच चुके हैं 7। और देखिए, लाइट भी हो गई है अभी ओपन, और यह हम दिखा रहे हैं इससे ऊपर का नज़ारा। और एक से एक झूला आया हुआ है यहाँ पर, और ये देखिए यहाँ ऊपर से नज़ारा इसका। और अभी हम खड़े हुए हैं इस वक्त मौत के कुएं में। देखिए, यह है मौत का कुआ, जो इस बार यहाँ पर 6 मारुति कार और 6 मोटरसाइकिल और 1 बुलेट चलेगी। तो यहाँ भी कुछ नया है, तो दिखाएंगे अभी आपको हम इस मेले उसमें। तो यहाँ दिखाएंगे अभी आपको इस ब्लॉग में क्या क्या है नया। तो भाई, आज हो गई लाइट चालू और तो गाइस यहाँ पर हो गई है लाइट चालू और ये धीरे धीरे जो है झूले ओपन होते जा रहे हैं। और अभी देख रहे हैं कि ग्राउंड थोड़ा खाली है, क्योंकि अभी फुल जो मेला लगा नहीं है ना, तो उस वजह से जो है ये आपका ग्राउंड खाली दिखाई दे रहा है, क्योंकि काफ़ी लेट हो चुका है ये मेला। और अच्छा, खास बात यह है इस बार जो है कि यहाँ पर जो है सिक्योरिटी का भी काफ़ी इंतजाम रखा गया है। तो यहाँ पर देखिए, अभी इस बार 25 से 30 बाउंसर यहाँ पर रखे गए हैं आप। तो यहाँ पर ज़्यादातर जो है झूलों पर जैसे भीड़ लगी रहती थी, तो उनके लिए इन्होंने बाउंसर रखे हैं और कम से कम 25 से 30 आपको ये बाउंसर मिलेंगे। तो गाइस, ये जो है यहाँ पर जो है सारे झूले लगते हैं और एक से एक यहाँ पर जो है काफ़ी झूले के टाइम काफ़ी भीड़ हो जाती है, तो उनको टैकल करने के लिए यहाँ की बार बाउंसर रखे हुए हैं। तो इनसे बात करते हैं। भैया, क्या नाम है आपका? मोहित कुमार। मोहित भाई, ये आप पहली बार आए हैं यहाँ पर? नहीं, सेकंड टाइम है। सेकंड टाइम है, तभी कितने बाउंसर रखे हैं यहाँ पर? सर, यहाँ पे 20 से 25 के बीच में बाउंसर है। 20 से 25? जी। तो मतलब ये बाउंसर आप मेला नौचंदी में प्राइवेट हैं या आपने झूलों की तरफ से? नहीं, झूलों की तरफ से नहीं, ठेकेदार की तरफ से है। ये ठेकेदार की तरफ से अप्रूव हो रहा है। अच्छा, ये देखिए ठेकेदार की तरफ से जो है इस बार 25 से 30 बाउंसर रखे गए हैं। तो ये देख सकते हैं यहाँ पर, ये टावर झूला जो भी चालू नहीं हुआ है, तो आज जो है यहाँ पर लाइट चालू हो गई, अभी दिखाएंगे हम आपको और आगे। तो गाइस देखिए, यहाँ पर आया हुआ है वीर सिंह चुस्के वाला, और इस बार फर्स्ट टाइम जो है मेरठ का जो हरिया जी लस्सी वाले हैं, इस बार पहली बार उन्होंने अपना स्टॉल लगाया है नौचंदी मेले के अंदर। तो इनकी लस्सी और स्वीट्स और काफ़ी मशहूर है। और इस बार जो है यहाँ पर ये देखिए, रसगुल्ले भी हैं, रबड़ी भी है, रसमलाई भी है, और ये लस्सी तो इनकी फेमस है ही, तो काफ़ी आइटम लगाई है इन्होंने। अपना ये लस्सी का क्या रेट है? 70 रुपये। वही रेट है, 70 रुपये रेट है। तो देखिए, यहाँ पर कोई ज़्यादा रेट नहीं है, जो इनका सेम रेट रहता है वही रेट है यहाँ पर। और ये फर्स्ट टाइम आए हुए हैं यहाँ पर मेला नौचंदी के अंदर, पहली बार लगाए ना? तो देखिए, और ये क्या क्या है इसमें भैया? ये रबड़ी है, और ये रसमादरी है। तो देखिए, काफ़ी आइटम लगाई है इन्होंने। और अब जब ये मेला चालू होगा तो आप यहाँ पर आके विजिट कर सकते हैं, ये हरिया जी मिल्क पैलेस वाले लाल कुर्ती। तो गाइस आगे चलेंगे तो यहाँ मिलेगा आपको जैन भेलपुरी सॉफ्टी। अभी जो है आज समझो लाइट खुली है, तो पहले ही दिन आज। तो गाइस अभी हम चलेंगे दुर्गा मंदिर के अंदर, ये दुर्गा मंदिर का गेट है, ये दिखाते हैं अंदर से। यहाँ भी काफ़ी झूले लगे हुए हैं। तो यहाँ पर लगा हुआ है पहला ब्रेक डांस झूला, जिसका प्राइस है 100 रुपये, और ये बराबर में ऊपर ये है, ये आसमानी झूला है, उसके बराबर में कश्ती वाला झूला। इनकी सबसे प्राइस जो है सिर्फ 100 रुपये है। ये सामने देख सकते हैं, ये है दुर्गा मंदिर।
देखिए इसका किराया भी 100 रुपए है, 100 रुपीज। ये है टोरा टोरा, तो गाइस ये है टोरा टोरा झूला जिसका प्राइस भी है 100 रुपए, और इसके बराबर में लगी है ट्रेन। तो गाइस ये है यहाँ का दुर्गा मंदिर, और इसी के बराबर में लगे हुए ये झूले, ये देखिए सामने लगा हुआ है टोरा टोरा, और इसके बराबर में आसमानी झूला, बराबर में कश्ती वाला झूला जिनका सबका प्राइस 100 रुपए है, बाद में ब्रेक डांस है। तो गाइस ये है दुर्गा मंदिर का ग्राउंड, यहाँ पर भी एक से एक झूले हैं। ये हथौड़े वाला झूला है, और ये सबसे ज़्यादा फेमस झूला है यहाँ पर, ये चलता है। तो ये लगा हुआ है सामने हरिद्वार चाट भंडार, और इसके बराबर में भी काफ़ी चाट का लगे हुए, पूरा स्टॉल लग चुका है। यहाँ पर देखिए ज्वेलरी भी आई हुई है, 50 रुपये में एक से एक ज्वेलरी मिलेगी यहाँ पर। दुकानें काफ़ी लग चुकी हैं, और बराबर में है सॉफ्टी की दुकान, और यहाँ पे लगे हुए खिलौने की दुकान। अभी दुकानें लगना चालू हो गई हैं यहाँ पर, इसके बराबर में देखिए लगे हुए निशाना लगा सकते हैं। तो गाइस ये है देखिए सुभाष द्वार, जिसको बोलते हैं पटेल मंडप, यहाँ पर एक कार्यक्रम हो रहा है संस्कार भारती द्वारा, तो आज यहाँ बच्चे अपने नृत्य वगैरह करेंगे, उसके बाद यहाँ पर 10 बजे। तो गाइस यहाँ कार्यक्रम चल रहा है संस्कार भारती मेरठ महानगर मेरठ संस्कृत संध्या, तो अब ये देख सकते हैं यहाँ पर कार्यक्रम स्टार्ट होने वाला है, और अभी यहाँ पर जो है छोटे छोटे बच्चे नृत्य करेंगे यहाँ का अपना, ये यहाँ का देखिए एक से यहाँ छोटे छोटे बच्चे आए हुए हैं जो नृत्य करेंगे। अभी यहाँ पर जो है ये पंडाल भरा नहीं है, ये बोलते हैं इसको पटेल मंडप। वैसे तो यहाँ डेली कोई ना कोई कार्यक्रम चलता रहता है। तो गाइस यहाँ छोटे छोटे बच्चे देखिए, देखिए यहाँ पर सांस्कृतिक कार्यक्रम चालू होना शुरू करने जा रही हूँ मैं सर्वप्रथम। यहाँ पर ये छोटे छोटे बच्चे अभी नृत्य करेंगे, अभी चालू होने वाला है ये कार्यक्रम। ये है यहाँ पर पटेल मंडप, और देखिए यहाँ काफी बच्चे एंजॉय करने के लिए आते हैं यहाँ पर, और यहाँ कोई टिकट नहीं होता, यहाँ सब फ्री होता है। अभी देखिए ये सब खाली पड़ा हुआ है, काफ़ी बड़ा मंडप है। तो देखिए यहाँ पर बच्चे ने एक नृत्य करा, यहाँ पर ये नृत्य कार्यक्रम चलेगा। ये कितने का भैया? 20 रुपये। तो गाइस बाहर निकलेंगे तो यहाँ पे मिलेगा आपको झंडा होटल, जो स्टार्टिंग में चालू हो गया। तो देखिए यहाँ के दही बल्ले बहुत मशहूर है। यह झंडा होटल मेरठ का काफी मशहूर होटल है, यहाँ बनता है ताज़ा ताज़ा पराठा और हलवा पराठा, काफी मशहूर है यहाँ का। ये है झंडा होटल, और नान खटाई भी काफी मशहूर है यहाँ की, और इस बार छोले भटूरे भी हैं और नॉन वेज भी है। ये है झंडा होटल, और अभी जो है थोड़े होटल लगने चालू हैं। ये देखिए दही के पकौड़े मिल रहे हैं, ये है गुलजार होटल,
तो ये सब यहाँ पर काफ़ी मशहूर हैं। यहाँ के होटल ये झंडा होटल, नज़ीर होटल, तो अभी लगे नहीं हैं, आगे उसमें दिखाएंगे आपको आगे के ब्लॉग में। और सामने लगा हुआ है मौत का कुआं, मौत का कुआं स्टार्ट हो गया। तो गाइस अभी हम आए हुए हैं नौचंदी के मेले के अंदर और यहाँ पर जय बाबा बर्फ भंडार, जो रबड़ी का टेस्ट यहाँ पर मैंने दो फ्लेवर में आम में और इसमें हमने लिया रबड़ी वाला, जो यहाँ का ये देखिए पत्ते में दी जाती है, बहुत ही मतलब ज़बरदस्त टेस्ट है इसका, आ सकते हैं ट्राई कर सकते हैं। इसका प्राइस है 70 रुपये का 100 ग्राम। तो गाइस पहले हमने खाया रबड़ी का, अब ले रहे हैं मैंगो का टेस्ट। तो ये मैंगो और रबड़ी युक्त बर्फ है और मैंगो वाली जो आइसक्रीम है इसका टेस्ट ही अलग है। आ सकते हैं, दोनों ट्राई कर सकते हैं यहाँ पर आके, वैसे मुझे रबड़ी का। तो गाइस अभी नौचंदी के अंदर ये देखिए एक आया है आगरा पापड़, जो मिलता है यहाँ पर, देखिए सबसे सस्ता आइटम है यहाँ पर, ये 20 रुपये का पापड़ है। भैया कैसे बनता है चावल, देखिए ये चावल और साबुदाने का है, और पक्का चाव पक्का ले लो, कच्चा चाव कच्चा ही बेचते हो, कच्चा कितने का है 50 रुपये पैकेट। तो ये है आगरा से आए हुए हैं आगरा पापड़ भंडार, थोक और फटकट बिगड़ता। तो ये कितने का भाई? 20 रुपये। ये 20 रुपये का, टेस्ट कराओ जरा। तो गाइस देखिए ये कितना बड़ा पापड़ है 20 रुपये में, जो अभी हम ट्राई करेंगे इसको। ये है चावल और साबुदाने का, जिसका प्राइस है 20 रुपये में, और ये आए हैं आगरा से आगरा पापड़ भंडार। तो भी गाइस देख सकते हैं यहाँ पर जो है दुकानें लगना चालू हो गई हैं। मेले में इस बार जो है हलीम बिरयानी, बहुत सारे स्टॉल लगे हुए हैं हलीम बिरयानी के। तो ये देखिए यहाँ की मशहूर है मेरठ की सबसे ज़्यादा हलीम बिरयानी ये। तो अभी आ सकते हैं नौचंदी में खाली पेट, और यहाँ पर आ सकते हैं बिरयानी खा सकते हैं। तो बिरयानी के स्टॉल भी काफ़ी लगने वाले हैं, ये है मेरठ, और यहाँ का हलीम भी बहुत काफ़ी मशहूर है, ये देखिए। तो अभी हम आए हुए हैं नौचंदी मेला ग्राउंड के अंदर, और अभी जो है यहाँ पर देखिए ट्रैफिक रुका नहीं है, तो इस वजह से ट्रैफिक भी चालू है। यहाँ पर मिलना है देखिए दही बड़े और ब्रेड पकौड़ा, और देखिए मेरठ में नौचंदी हो गई एकदम चालू, और सामने आया हुआ एंगर पिज्ज़ा जो 60 रुपये स्टार्ट है। तो गाइस देखिए हैंगर पे लगे हुए, ये लग रहा है पिज्जा। और यहाँ पर आजमाई जा रही है ताकत, और ये 10 रुपये में 80 गुब्बारे, तो ये चल रहा है 10 रुपये 80 गुब्बारे। तो गाइस देख सकते हैं अभी मेला पूरा भरा नहीं है, और अभी टाइम लगेगा, देखिए अभी सब थोड़ा सा कहीं कहीं खाली पड़ा हुआ है, दुकानदार अभी आना चालू हुए हैं इस मेले में। अगर आप आते हैं तो एक तारीख से आ सकते हैं, क्योंकि तो लाइट भी आ रही है जा रही है, मौसम थोड़ा ऐसी हो रहा है ख़राब। तो गाइस आज हम आए हुए थे ऐतिहासिक मेला नौचंदी के अंदर, आज हमने एक्सप्लोर कराया है आपको यहाँ का नौचंदी मेला। अभी मेला भी पूरी तरह से लगा नहीं है, और आगे हम अपनी जब मेला पूरी तरह से भर जाएगा तब आपको फुल इन्फॉर्मेशन भी देंगे और दिखाएंगे कि मेले में क्या क्या चीज़ नई आई हुई है। तो अगर प्लीज़ वीडियो पसंद आए तो शेयर करें, और जो चैनल पर आए प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। मिलेंगे फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।